So students, come, let's solve this problem using the scholar approach. So question mein likha hai, a vertical tower stands on a horizontal plane. To pehle vertical tower bana lete hai, hai na? Aise step by step iska diagram banayenge, to easy rahe. Aage likha hai, is surmounted by a vertical flagstaff. Ab isko samajhne ki zarurat hai. Surmounted matlab upar, upar bana hai is tower ke. Flagstaff matlab jhanda. Theek hai, simple pole jisme jhanda laga hai. तो वर्टिकल टावर इज सरमाउंटेड बाय अ वर्टिकल फ्लैगस्टाफ, मतलब जो टावर ए बी है इसके ऊपर लगा हुआ है एक झंडा फ्लैगस्टाफ बी सी। तो अगर आपको इन वर्ड्स का मतलब पता है सरमाउंटेड और फ्लैगस्टाफ, तब आपको ये डायग्राम बनाने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए। आगे लिखा है एट अ पॉइंट ऑन द प्लेन, प्लेन मतलब ग्राउंड, ठीक है, जो ग्राउंड है उस पे 70 मीटर्स अवे फ्रॉम द टावर। मान लीजिए ये जो पॉइंट डी है it is 70 meters from the tower A. यहाँ पे an observer, observer मतलब कोई भी इंसान जो observe कर रहा है, notices that the angle of elevation of the top and bottom of the flagstaff are 60 degree and 45 degree. So angle of elevation of the top of the flagstaff, which is C from point D, is 60 degree. Horizontal से बना है ये. And the angle of elevation of the bottom of the flagstaff, यहाँ पे बहुत students गलती करते हैं. वो बॉटम ऑफ द फ्लैगस्टाफ को पॉइंट ए ले लेते हैं, बट नोटिस ये बॉटम टावर का नहीं है, ये फ्लैगस्टाफ का बॉटम है जो कि पॉइंट बी है, इसलिए एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ पॉइंट बी फ्रॉम पॉइंट डी इज 45 डिग्री। आपको निकालना है हाइट ऑफ द टावर ए बी एंड हाइट ऑफ द फ्लैगस्टाफ बी सी। सो वंस अगेन अपने स्कॉलर अप्रोच यूज करके इसका डायग्राम स्टेप बाय स्टेप बना लिया, और अब अगला स्टेप है इसको सॉल्व करके आंसर निकालना।